फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शेर सिंह घुबाया ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर सुखबीर बादल से फिक्सिंग करने के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीतकर बादल परिवार कांग्रेस के बेअदबी के आरोप का जवाब देने में कामयाब हुआ है। अब राजनीतिक पंडितों की नज़र इस बात पर लगी है कि बादल परिवार में से कौन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। चलो अब शुरू करते हैं। फिरोजपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार शेर सिंह घुबाया ने अपनी हार के लिए पार्टी के ही मंत्रियों और सीनियर नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने शेर सिंह घुबाया को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया है। शेर सिंह घुबाया ने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने सुखबीर सिंह बादल के साथ फिक्सिंग करके उनकी नाव को डुबोने में बड़ी भूमिका अदा की है। शेर सिंह घुबाया ने दावा किया कि फिरोजपुर की जनता पूरी तरह से उसके साथ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शेर सिंह घुबाया अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। शेर सिंह घुबाया के पुत्र दविंदर घुबाया 2017 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस में आ गए थे। दविंदर घुबाया फाजिलका विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीत गए थे। शेर सिंह घुबाया ने आरोप लगाया है कि 2017 में भी उसके बेटे दविंदर घुबाया को हराने की कोशिश कुछ कांग्रेसियों द्वारा की गई थी। शेर सिंह घुबाया ने कहा कि उसकी हार का कारण बनने वाले कांग्रेसियों की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दे दी गई है। शेर सिंह घुबाया के इस बयान पर अलग अलग सियासी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अकाली दल से मिली भगत के आरोप से घिरे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शेर सिंह घुबाया के फिक्सिंग के आरोप को सिरे से नकार दिया है। बठिंडा में हरसिमरत कौर बादल से चुनाव हारने वाले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शेर सिंह घुबाया को बड़ा दिल करके अपनी हार को स्वीकार करने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने कहा है कि अच्छा है शेर सिंह घुबाया को एक महीने में ही कांग्रेस कल्चर का पता चल गया है। अकाली दल टकसाली के प्रधान रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने तो शेर सिंह घुबाया को अपनी पार्टी में आने का न्योता ही दे दिया। दूसरी तरफ फिरोजपुर से 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीतने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की राजनीति को नई दिशा दे दी है। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी बठिंडा से कड़े मुकाबले में कांग्रेस के राजा वड़िंग से 20,000 वोटों के अंतर से जीतने में सफल रही है। अकाली दल ने पंजाब की 13 में से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अकाली दल के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और दोनों ही बादल परिवार से संबंध रखते हैं। इस जीत से बादल परिवार कांग्रेस के आरोपों को झूठा साबित करने में कामयाब हुआ है। कांग्रेस द्वारा बादल परिवार को बेअदबी और बहवल कला गोलीकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यह पहली बार होगा कि बादल परिवार के 2 सदस्य एक साथ लोकसभा में बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल होगा कि दोनों में से किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दोनों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। हरसिमरत कौर बादल के पास 5 साल नरेंद्र मोदी के साथ फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय संभालने का तजुर्बा है। सुखबीर बादल भी अपने पिता प्रकाश सिंह बादल के साथ 8 साल तक उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि वह इस बारे में सोच ही नहीं रहे। सुखबीर बादल ने कहा कि वे खुश हैं, वाहेगुरु ने उनको फिरोजपुर की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और सुखबीर बादल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल के पैरों को हाथ लगाकर अपने सम्मान की अभिव्यक्ति कर चुके हैं। अकाली दल से गठबंधन भाजपा पर लगने वाले अल्पसंख्यक विरोधी के आरोप का भी खंडन करता है। सीमावर्ती होने के कारण भी पंजाब का विशेष महत्व है। पंजाब की आतंकवाद और अलगाववाद की पृष्ठभूमि से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसके बावजूद उनके लिए अकाली दल के एक से ज्यादा मंत्री बनाना संभव नहीं होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बादल दंपत्ति में से किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। धन्यवाद।